रीजेंट है जी दो कवितावां नवी पुरानी ते जी ते माता गुजरी जी ठीक है इन्हां दे राइटर दे बारे भी आना है ते कवितावां दे वन मार्क्स क्वेश्चन ते लॉन्ग क्वेश्चन ते सेकंड है बेबे जी वार्तक लेख ठीक है ते सांझी कन ऊड़ा ऐड़ा ते इड़ी भाग मुहावरे सारे ठीक है फर्स्ट आपां करांगे सब तो पहला दोनों कवितावां ते उन्हां दे राइटर दे बारे ठीक है सब तो पहला नवी पुरानी तहजीब कविता किदी लिखी हुई है विदाता सिंह तीर दी ठीक है इस कविता दे विच कवि ने नवी अते पुरानी सभ्यता दे बारे अपने विचार दस्या ते उसने पुरानी सभ्यता नू पुरानी संस्कृति नू नवी सभ्यता नालों वधिया किया है क्यों वधिया किया है क्योंकि पुरानी सभ्यता दे लोग जेड़े सी बड़े ईमानदार सन उन्हां दे विच मिठास सी निमरता सी सारे लोग रल मिल के रहिंदे सन ते कदे भी कोई किसे नाल लड़ाई झगड़ा नहीं करदा सी ते घर दा इक जी कमांदा सी ते बाकी सारे लोग जिहड़े कि आराम नाल बैठ के खांदे सन कि भाव कि जे एक भरा रुस जांदा सी ते बाकी उन्हां नूं प्यार नाल मना लैंदे ते उस समय जिहड़े कि है घरां दे जिहड़े चूल्हे दे विच रसोई घर दे विच ठीक है सब तो पहला गुरबाणी जिहड़ा कि पाठ हुंदा सी ते अज कल जिहड़ी सभ्यता है जो पछमी सभ्यता है ठीक है नवी सभ्यता है उन्हें माड़ी क्यों किया है क्योंकि अज कल दी सभ्यता दे लोग अज कल दी संस्कृति दे लोग अपने ठीक है पुराने सभ्यता नूं भुलदे जा रहे हन लालची हो गए हन बेईमान हो गए हन पैसे दे पिछे एक दूसरे नाल लड़ रहे हन जिहड़े सरमाएदार लोग है सरमाएदार सर लिखे नहीं कुछ सरमाएदार ते अमीर लोग है ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਚੂਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕੀਰਤੀ ਵਿਚਾਰੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਸਭਿਅਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੱਛਮੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਪੱਟਾ ਪਹਿਨ ਲਿਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਵਿਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵਨ ਮਾਰਕਸ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੇ ਉਹਦੇ ਆਨਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਨ ਮਾਰਕਸ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਨ ਮਾਰਕਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਲਿਖੋ ਹਾਂ ਕੱਲੇ ਆਨਸਰ ਨਵੀਂ ਇੱਕੋ ਹਾਂ ਕਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸੁਣੋ कवि ने पुरानी सभ्यता नु कपला गहू दे समान गया है कपला गहू जो मन चाहे पदारत दिंदी सी ठीक है ते नवी सभ्यता नु ओने की कह असी जेड़े की है अपनी जेड़े की है कपला गहू दे के खोती बिटा ली है भाव कि ऐसा लगता है कि असी पछमी संस्कृति नु अपना के अपनी अकल ही गवा बैठे हैं ठीक है ओह दूसरे कल्चर नु अपना के असी ऐसा लगता है कि अपनी सोच समझ ही भुल गए हाँ जो उन्होंने मगर तुर पे हाँ ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन लिखो कवि ने पुरानी सभ्यता नू की कहा है आंसर लिखने हैं नहीं तुसी लिखने नहीं कवि ने पुरानी सभ्यता नू की कहा है हाँ कपला गो मैं स्पेलिंग लिखांगे चेक कर लेना अपने नहीं आंसर लिखो खाली नेक्स्ट लिखो कवि ने नवी सभ्यता नू की कहा है खोती क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन पुरानी सभ्यता दे लोग किस तरह दे सन पुरानी सभ्यता दे लोग बड़े नेक सन
एक दूसरे नाल मिलजुल के रहने सन, उन्हां दे विच निमरता सी, उन्हां दे विच निमरता सी, ओ मिलजुल के रहने सन, ते कदे भी एक दूसरे नाल भेदभाव नहीं करते सन। नेक्स्ट है नवी सभ्यता भारत दे गले दे विच किस दा पट्टा है? गुलामी दा। किस दा पट्टा है? गुलामी दा। नेक्स्ट है ऋषिया दे चौंके दे विच जा ऋषिया दे वेड़े दे विच कित्थों दी झूठ पाई जाती है? अचंभी। ऋषिया दे चौंके दे विच कित्थों दी झूठ पाई जाती है? पछम दी। नेक्स्ट है जज्जा, जज्जा चू। नेक्स्ट लिखो दरियावां दा पानी वग के किथे वापिस नहीं आउंदा? पटना दे। दरियावां दा पानी वग के किथे वापस नहीं आंदा? पटना ते, किनारा। नेक्स्ट है असी अपनी तहजीब नहीं गवाई, असी की गवाया है? अकल। असी अपनी तहजीब नहीं गवाई, की गवाया? अकल। नेक्स्ट है कवि नवी तहजीब नू अपना के असी अपने गल की पा लिया है? गुलामी दा पट्टा। जहमत, ठीक है, ओ ठीक है, हाँ दोनों ही है, सेम ही है, हाँ हाँ दोनों आ सकते, जहमत भी आ सकता है, गुलामी दा पट्टा ओ बेटा नहीं, ओ बेटा ऐ ओ हिंदुस्तान दे गले दे विच की लटक रहा है? गुलामी दा पट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, हुन बोलिया असी अपनी तहजीब गवा के की गवा लिए? अकल। अकल गवा ली। नेक्स्ट है पश्चिमी तहजीब विच सरमाएदार किस दी खूब खल लाउंदा है या किस नू लुटदा है? गरीबा भी आसदा है, कीर्ति किसाना दा, कीर्ति दी भी आसदा है, कीर्ति हुंदा है जिहड़ा मेहनत करन वाले लोग, ठीक है जी, जे सारे ही आ जांदे है, किसान भी आ जांदे, मजदूर भी आ जांदे, सब कुछ आ जांदा है, ठीक है, गवा लई है कीर्ति दे, मैं किसान भी आ जांदे है, मजदूर भी आ जांदे है, सारे लोग आ जांदे मेहनत करके रोटी खांदे, हाँ सिर्फ कीर्ति लोकां नहीं आना है बेटा। क्वेश्चन है पश्चिमी तहजीब दे विच सरमाएदार लोग किन्हां दा लहू चूस रहे हैं जां किस नूं खूब लुट रहे हैं? कीर्तियां नूं। नेक्स्ट है, हाँ नेक्स्ट है सरमाएदार अपनियां औरतां लई पाउडर कित्थों तैयार करदा है? या मजदूरा दियां हड्डियां तो, ठीक है, मजदूरा दियां हड्डियां तो, मजदूरा दियां हड्डियां तो पाउडर तैयार करता है? बेटा चलो, मजदूरा दियां, कोई गल नहीं, मजदूरा दियां हड्डियां तो, नवी पुरानी तहजीब कविता जिन्हें लिखी उन्हें राइटर दे बारे, ठीक है, विदाता सिंह तीर दे बारे, ठीक है, उन्होंने जन्म कितने होया, ठीक है, हाँ सिर्फ कवितावां दे राइटर आ रहे, ठीक है, जन्म कितने होया, कदों होया, ठीक है, ते उन्होंने माता पिता नाम, ठीक है, विदाता सिंह तीर दे पिता का की नाम सी हीरा सिंह, ठीक हो, विदाता सिंह तीर दे पिता नाम
हीरा सिंह लिखो बेटा, हीरा सिंह विधाता सिंह पीर दे पिता का नाम हीरा है ना। अगे लिखो जन्म कित्थे होया, रावल पिंडी या पाकिस्तान, रावल पिंडी या पाकिस्तान। नेक्स्ट फिर पाकिस्तान लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है उन्होंने केड़िया केड़िया रचनावां लिखिया, केड़िया केड़िया सी नवे निशाने, अनक्याले ती, अनक्याले ती, नवे निशाने, नवे निशाने, गूंगे गीत, बंदा सिंह बहादुर, ठीक है यार। दशमेर दर्शन, क्योंकि मेरा हम एमसीक्यू से आने, तुसी दो ने अच्छी तरह याद करना, ठीक है। अगर तो एमसीक्यू से ना, ठीक है, दो अच्छी तरह नेम याद कर लो, कोई एक आ सकता है, कोई दो आ सकता है, ठीक है। दशमेर दर्शन लिखे हुए। नेक्स्ट है उना दा देहांत करो होया 1973 विच, जन्म होया सी 1901 विच, ते डेथ हुई 1973 दे विच, ठीक है। 1973 कवि ने नवी तहजीब न, ठीक है, या पुरानी तहजीब नवी तहजीब नालों वधिया क्यों किया है, या उस दिया केड़िया केड़िया सिफतां कीतियां हन, ठीक है। जिदा केंद्री भाव आ जाए, विचार आ जाए, फिर की लिखोगे, पहला राइटर का नाम, नवी पुरानी तहजीब कविता विधाता सिंह तीर दी लिखी है। इस कविता दे विच कवि ने नवी ते पुरानी सभ्यता दे बारे, पुरानी संस्कृति दे बारे दस्या है, ते पुरानी सभ्यता नूं, पुरानी संस्कृति नूं नवी सभ्यता नालों वधिया दसिया है, उन्हें सिफत की है, क्यों की है, क्योंकि पुरानी सभ्यता है लोग ईमानदार सन, ठीक है, नेक सन, कदे भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते सन, ते घर दा इक जी कमांदा सी, ते बाकी सारे खांदे सन, ते जे इक भरा लड़दा सी रुस जांदा सी तां बाकी मना लैंदे सन। ते नवी सभ्यता जिहड़ी कि पछमी सभ्यता है, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਹੀ ਗਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਪੱਟਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਫਸਟ ਕਵਿਤਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਰਾਂਗੇ माता गुजरी जी कविता। नेक्स्ट है माता गुजरी जी कविता, ठीक है। इस कविता दे विच कवि ने छोटे साहबजादे फतेह सिंह ते जोरावर सिंह, ठीक है, उन्हां दी शहीदी दे बारे दसिया है, ते उन्हां दी शहीदी तो बाद उन्हां दे दुख नूं माता गुजरी जी, जो कि उन्हां दे दादी जी हन, घोड़ियां गा के प्रगट किया है, ठीक है। छोटे बच्चों की शहीदी के दुख न माता गुजरी जी ने घोड़िया गा के प्रगट किया है। छोटे साहबजादे सरहंद की दीवार दे जिंदा ही चिनवाता गया, ठीक है, ते उन्होंने चिनवाए जान तो पहला माता जी नू सुपने दे विच होनी मिली, होनी आई भाव की मौत, ठीक है। ते उसने माता जी नू की किया कि जिहड़े हीरियां वर्गी जिहड़ी चमक है, किन्हां दी चमक सी, छोटे साहिबजादियां दी
मैं इस नू इट उत्ते इट रख के इना दी चमक नू इट उत्ते इट रख के इना दी चमक नू लुको देना है, भाव की इना नू मैं अपने नाल ले जाना है, सदा दी नींद सुहादना है। ते माता जी ने जो ये सुपना देखिया तो डर गए, ते अपने पोतिया नू बच्चिया नू गले नाल लगाया ते प्यार किता उना नू। ते की कह रहे क्या कि इस वार मैं अपने बच्चिया दी लोहड़ी, क्योंकि दिसंबर दे महीने तुहानू सारयां नू पता है शहीदी होई सी, जनवरी च लोहड़ी आंदी, ते उन्होंने की किया कि इस वार मैं अपने पोतिया दी लोहड़ी जरूर मनावांगी। ते उन्हां नू बच्चिया दी गल्लां याद आ रही सन, केड़ियां कि बच्चे कह रहे सन माता जी बड़ा चिर हो गया असीं अपने पिता जी नू नहीं मिले, ते इस वार असीं जदों मिलांगे उन्हां नू कुट के जफी पानी है। ते जदों माता जी नू उन्हां दी गल्लां याद आ रही सन, सीने दे विच उन्हां दे खिच पै रही सी, क्योंकि बेटा बच्चिया का दुख माता पिता लई सहना बड़ा असह हुंदा है, बड़ा दुखदायक हुंदा है, सहा नहीं जांदा। ते माता गुजरी जी, ठीक है, उन्होंने दादा जी कौन सन, गुरु तेग बहादुर जी, तुम वन मास क्वेश्चन आने। पिता जी कौन सन, गुरु गोबिंद सिंह जी, दादी जी माता गुजरी जी, जो शहीद होए सन उन्होंने नाल कौन सी, माता गुजरी जी, ठीक है। ते सुपने विच कौन आया सी, होनी, ते उन्हें की किया, इट उत्ते इट रख के मैं हीरिया वर्गी चमक नू लुका देना है, सदा दी नींद सुला देना है, ठीक है। ते ए सुन के वो डर गई, ते उन्होंने बच्चियां नू गले नाल लगाया, ते कहा कि इस बार मैं अपने बच्चियां दी लोहड़ी जरूर मनावांगी। तो उहदे बच्चे भी अपने माता जी नू कह रहे सन कि माता जी इस बार जदों असीं अपने पिता नू मिलना है ते उन्हां नू कुट के जफी पानी, क्योंकि बेटा माता पिता लई अपने बच्चियां दा दुख सहना बड़ा ही असह हुंदा है। ते इन्हां दे दुख नू की गा के प्रगट कीता है, माता गुजरी ने घोड़ियां गा के प्रगट कीता है, ठीक है। क्वेश्चन लिखना वन मार्क्स वाले के लिखो, फर्स्ट क्वेश्चन, माता गुजरी जी छोटे साहबजादिया दे कौन सन, लिखो आंसर लिखने खाली। माता गुजरी जी छोटे साहबजादिया दे कौन सन, दादी जी। नेक्स्ट है, जेड़े स्पेलिंग नहीं आने के पूछना, ठीक है। नेक्स्ट है, छोटे साहबजादिया दे नाम लिखो, मैं लिख देनी है, ठीक है। तू ठीक है, जोरावर सिंह, ठीक है, फतेह सिंह। ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा नाल आंसर लिखने हैं, ठीक है, जोरावर सिंह ते फतेह सिंह। नेक्स्ट है, इन्हां नू किथे शहीद किया गया ते किस तरह शहीद किया गया, हाँ, सरहंद शहर दे विच, दीवार दे विच, नीहां दे विच निमाज दा गया से। सरहंद शहर दे विच, दीवार दे विच, ठीक है, चिनवा दिता गया या नीहां दे विच चिनवा दिता गया, नहीं, सरहंद शहर दी नीहां दे विच, दीवार दे विच। नेक्स्ट है, माता गुजरी जी ने छोटे साहबजादिया दी शहीदी दे दुख नू की गा के प्रगट कीता है, हाँ, घोड़ियां गा के प्रगट कीता है, इन्हां दे दुख नू की गा के प्रगट कीता है, घोड़ियां गा के प्रगट कीता है। नेक्स्ट है, छोटे साहबजादिया दे दादा जी कौन सन ते किन्वे गुरु सन, नौवे, दोनों लिखो, गुरु तेग बहादुर जी, ते किन्वे गुरु सन, नौवे, ठीक है। नेक्स्ट है, छोटे साहबजादिया दे पिता जी का नाम लिखो, ते किन्वे गुरु, दसवे गुरु, लिखो, गुरु गोबिंद सिंह जी ते दसवे गुरु, किन्वे गुरु सन, दसवे, ते नाम की सी, गुरु गोबिंद सिंह जी। नेक्स्ट है,
सुपने दे विच माता जी नू कौन मिलिया? होनी, होनी लिखोगे, ठीक है? होनी ने माता गुजरी जी नू की कहा? हाँ ठीक है, कि उन्होंने की किया कि आज जड़े हीरिया वर्गे पोतिया दी चमक नू मैं लुका देना है। किसा लुका देना है? इट उत्ते इट रख के लिखो, ठीक है? की क्या है उन्हां दी चमक नू, ठीक है, इन्हां दोनों दी चमक नू इट उत्ते इट रख के लुका देना है, ठीक है? हीरिया वर्गी चमक है इन्हां दी, इन्हां नू इट उत्ते मैं इट रख के लुका देना है। नेक्स्ट है, माता गुजरी जी ने की कहा? या उना दी मौत तो पहला उना नू प्यार कर दिया होया की क्या सी? हाँ, इस वार उना दी लोहड़ी मनाएगी। माता गुजरी ने अपने बच्चिया नू जां दे सिर नू पलोसदिया होया प्यार कर दिया होया की क्या सी? कि इस वार मैं अपने पोतिया दी बच्चिया दी लोहड़ी वंडांगी या लोहड़ी मनावांगी, लोहड़ी वंडांगी या लोहड़ी मनावा की? बच्चिया ने अपनी माता जी नू की कहा? उन्होंने अपने पिता जी नू मिलना है किसना? घुट के जफी मां के, ठीक है? उन्होंने की कहा कि इस बार उन्होंने अपने बच्चिया नू मिलना है, अपने पिता नू मिलना है किसना? जफी पा के, जफी पा के भाव की कुट के मिलना है, ठीक है? ऐसी वन मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है? जे केंद्रीय भाव आ जाए पहला आप राइटर का नाम लिखांगे, ठीक है? कविता किदी लिखी हुई है? माता गुजरी किदी लिखी है? नंद लाल नूरपुरी दी। ते इस कविता दे विच कवि ने छोटे साहबजादिया दी शहादत नू, ठीक है, माता गुजरी जी को उन्होंने दुख नू घोड़ियां गा के प्रगट कर रहे हैं। ते उन्होंने उन्हां नू सरहन दी दीवार दे विच जिंदा ही चिनवा दिता गया अते उन्हां दी मौत तो एक दिन पहला ही माता गुजरी नू सुपने विच आके होनी मिली ते उसने कहा कि इस वार, ठीक है, तेरे पोतिया नू मैं सदा दी नी सुला देना है भाव कि उन्हां दी चमक नू लुका देना है। ते ए जदों सुनी उन्होंने, ठीक है, उठ के खड़े होए ते उन्होंने उन्होंने प्यार किया ते कहा कि इस वार मैं अपने बच्चियां दी लोहड़ी वंडांगी या लोहड़ी मनावांगी। ते बच्चियां दीआं गल्लां भी उन्होंने याद आ रही सन शहीदी तो पहला जो उन्होंने कही सन कि इस वार असीं अपने पिता नू, ठीक है, बहुत देर हो गया मिलिया होया, असीं उन्होंने कुट के जफी पानी है क्योंकि माता पिता लई बेटा अपने बच्चियां दा दुख सहना बड़ा ही असह हुंदा है, ठीक है। नेक्स्ट आप करांगे राइटर दे बारे, ठीक है। विदाता सिंह तीर दा जन्म कदों होया? नाना नूरपुरी दा जन्म कदों होया? उन्होंने केड़ियां केड़ियां कवितावां दी रचना कीती? लिखो बेटा। उन्होंने सब तो ज्यादा की रचिया? लोक काव्य, ठीक है। ते उन्हां दीआं कवितावां केड़ी बुक भी दर्ज हन? पंजाब बोलिया। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਹਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹੈ? ਇੱਕ ਹੈ ਉੱਡ ਜਾ ਭੋਲੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵੇ, ਲਿਖੋ, ਇਹ ਆਣਾ ਹੈ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵਨ ਮਾਰਕਸ, ਉੱਡ ਜਾ ਭੋਲੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵੇ। ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਰੱਖੋ ਨੀ ਕਲਗੀ ਜੁਝਾਰ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਰੱਖੋ ਨੀ ਕਲਗੀ ਜੁਝਾਰ ਦੀ, ਰੱਖੋ ਕਲਗੀ
ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਪੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਰੱਖੋ ਨੀ ਕਲਗੀ ਜੁਝਾਰਦੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਾਨੂੰ ਮੇ ਪਿਪਲਾ ਖੜ ਖੜ ਲਾਈਆ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਹੇ ਦੋ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਰਨ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਐਮਸੀਕਿਊ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਨੂੰ ਮੇ ਪਿਪਲਾ ਖੜ ਖੜ ਲਾਈਆ ਤਿੰਨ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਕਰੋ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉੜ ਜਾ ਭੋਲੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵੇ ਕਾਨੂੰ ਵੇ ਪਿਪਲਾ ਖੜ ਖੜ ਲਾਈਆ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਰੱਖੋ ਨੀ ਕਲਗੀ ਜੁਝਾਰਦੀ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਜਾ ਬੋਲਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਰਚਿਆ ਲੋਕ ਕਾਵ ਰਚਿਆ ਤੇ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਲਾਇਲਪੁਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਂ ਲਾਇਲਪੁਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਸੀ ਰਾਈਟ ਨਾਮ ਕਿਹਦਾ ਦਾ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਲਾਲ ਚਾਲ ਨੂਰਪੁਰੀ ਤੇ ਵਿਦਾਤਾ ਸਿੰਘ ਤੀਰ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ 1901 तो लेके लिखाया सर 1900 हां बस इतना याद रख लो 1901 तो लेके 1973 यानी कि मौत के जन्म ठीक है 1901 तो लेके 1973 तो आपकी जन्म 1901 को है ते 1973 को हां ना ना नहीं देखा ये दाता सिंह तीर है वो पहले दाता सिंह तीर ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਵਿਦਾਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਾ ਜਨਮ 1901 ਤੇ ਵਿਦਾਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ 1973 ਤੇ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਰਚਨਾਵਾਂ ਬੋਲੋ ਦਸ਼ਮੇਧ ਦਰਸ਼ਨ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਸ਼ਮੇਧ ਦਰਸ਼ਨ ਗੂੰਗੇ ਗੀਤ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੋ ਗੂੰਗੇ ਗੀਤ ਦਸ਼ਮੇਧ ਦਰਸ਼ਨ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਬੋਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂਰਪੁਰੀ ਦੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਊਰਜਾ ਭੋਲੇ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਇੱਥੋਂ ਊਰਜਾ ਭੋਲੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵੇ ਕਾਨੂੰ ਵੇ ਪਿਪਲਾ ਖੜ ਖੜ ਲਾਈਆ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਰੱਖੋ ਨੀ ਕਲਗੀ ਜੁਝਾਰਦੀ ਦੋਨੇ ਅੱਛੇ ਯਾਰ ਹੋ ਗਏ ਵਿਦਾਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੈਟ ਚੋ ਇੱਕ ਸੀਗੇ ਵਿਦਾਤਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਚੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਾਇਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ 1901 ਤੇ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋਇਆ 1973 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਸੀ 1966 ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੂਰ ਵੀ ਅਧਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ 1966 ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਰਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ 1973 ਬੇਟਾ 1973 ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1966 1966 ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੋ ਗਏ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੋਨੇ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਿਆ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਦੋਨੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ